हिंदुस्तान को चलाना एक डायनामिक काम है और उसमें सबसे जरूरी काम जनता के दिल में क्या है, चाहती क्या है, उस आवाज को सुनना। तो आप अगर जनता की आवाज को सुनोगे तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। कहते मुझे याद है यूपीए की सरकार थी, हमने मनरेगा किया और मजदूरों की मदद की और एक दो साल बाद हमारे पास किसान आए और उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया कि देखिए आपने मजदूरों की मदद की, उनका रेट बढ़ गया, हमारा कॉम्पेंसेशन क्या है, हमें भी कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। और जैसे ही उन्होंने ये रैशनल बात हमें बताई, हमने उसको एक्सेप्ट किया और हमने कर्जा माफ किया। तो मेरा कहना है कि ये देश डायनामिक देश है, इसको आप किसी रिजिड स्ट्रक्चर के साथ नहीं चला सकते। और बीजेपी इस देश की आवाज नहीं सुन रही, आरएसएस बीजेपी इस देश की आवाज नहीं सुन रही है और वो रिजिड तरीके से देश को चला रहे हैं। उनके जो आइडिया है, उनकी जो सोच है, उससे वो चला रहे हैं। देश हिंदुस्तान की सोच से चलना चाहिए, सरकार की सोच से नहीं चलना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने जयराम रमेश जी ने मुझे डायरेक्शन दिया, मुझे एडवाइस दी, मैंने सुना। नहीं, बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। और मैं सिर्फ जयराम रमेश जी की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी मुझे कुछ कहता है मैं सुनता हूं, कहता हूं ठीक है, इसमें लॉजिक है, लॉजिक है तो करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।